राजस्थान की सियासत में भले ही राज्यसभा चुनाव के दौरान खड़ा हुआ सियासी तूफान गुजर चुका हो, लेकिन इस तूफान ने आने वाले दिनों में सियासी बवंडर को जरूर न्योता दे दिया है। दरअसल सूबे में पिछले दिनों तोड़फोड़ की आहट ने प्रदेश के सियासी समीकरणों को ही बदल कर रख दिया। जहां न सिर्फ कांग्रेस अपने विधायकों को साधने में कामयाब हुई, साथ ही बीटीपी, माकपा और निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में भी किया। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने बीजेपी को राजस्थान में अलग थलग लाकर खड़ा कर दिया और इस सब का श्रेय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की झोली में गया। ऐसे में अब सियासी गलियारों में चर्चाएं चल पड़ी है कि आला कमान अब सूबे में सत्ता और संगठन की डोर सीएम गहलोत को फ्री हैंड के रूप में दे सकती है, यानी पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को अब दिल्ली बुलाया जा सकता है। राजस्थान से दिल्ली तक के सियासी गलियारों में करीब से नजर बनाए रखने वाले सियासी पंडितों का मानना है कि पिछले दिनों जिस तरह से गहलोत ने अपने कुशल मैनेजमेंट का परिचय दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। इससे न सिर्फ प्रदेश में गहलोत का कुनबा मजबूत हुआ है बल्कि केंद्र नेतृत्व के सामने भी गहलोत का कद बढ़ा है। वहीं इसका साइड इफेक्ट पायलट पर पड़ता दिख रहा है। दोनों के बीच की सियासी टसल किसी से छिपी नहीं है, जिसका खामियाजा सत्ता और संगठन दोनों को उठाना पड़ता है। इसके चलते प्रदेश में अब तक ना तो राजनीतिक नियुक्तियां हुई और ना ही मंत्रिमंडल में फेरबदल। ऐसे में अब चर्चाएं जोरों पर है कि पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर कर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। वहीं माना जा रहा है कि 23 जून को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आला कमान इस पर मोहर लगाकर बड़ा फैसला भी कर सकती है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आला कमान नया पीसीसी चीफ गहलोत की पसंद का भी बना सकती है, ताकि सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल रह सके। खैर, इन बातों में कितना दम है यह आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि आगामी दिनों में होने वाले सियासी फेरबदल में गहलोत इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।